डिप्रेशन के दवाई के महत्व के साइड इफेक्ट्स कौन से हैं, इसके बारे में मैं आपसे बातचीत करने वाला हूं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहां प्रैक्टिस करता हूं। डिप्रेशन जिसको डायग्नोज किया तुरंत डॉक्टर तो ये करते काम कि भाई चलो एंटी डिप्रेशन दे दो पहले, और पेशेंट का पहला रिएक्शन रहता है कि दवाई लेना जरूरी है क्या, दवाई नहीं लिया तो क्या होगा, और दवाई के साइड इफेक्ट कितने हैं। मुझे आप सभी को बताना है कि एंटी डिप्रेशन के साइड इफेक्ट होते हैं, क्योंकि जिसको इफेक्ट है उसके साइड इफेक्ट है, मगर वो टेम्पररी होते हैं। जब हम दवाई बंद कर देते तो साइड इफेक्ट निकल जाएंगे, तो उसमें ऐसी कोई डरावनी चीज नहीं है, डरने वाली बात नहीं है, और बिल्कुल ईजिली लोगों ने एंटी डिप्रेशन लेना चाहिए, क्योंकि एंटी डिप्रेशन लेंगे तो डिप्रेशन जल्दी अच्छा होगा। फिर कौन से साइड इफेक्ट है वो हमको देखना पड़ेगा। एक तो क्या है कि कुछ एंटी डिप्रेशन ऐसे होते हैं कि उससे बहुत नींद आती है, ज्यादा नींद आती है, और फिर लोग बोलते हैं नहीं मेरे को सो के रहना पड़ेगा क्या, तो ऐसा कुछ नहीं है। कुछ एंटी डिप्रेशन ऐसे हैं कि जिससे बहुत नींद आती है, जैसे एमिट्रिप्टिलिन, मगर कुछ अभी एंटी डिप्रेशन ऐसे कि जैसे एसएसआरआई है जिससे नींद इतनी ज्यादा आती नहीं, और आती नहीं इतनी ज्यादा क्या, नींद ही नहीं आती उसमें। तो फिर जो पेशेंट जैसा उसको वही हिसाब से एंटी डिप्रेशन देते रहते हैं। तो नींद का ऐसा कोई ये नहीं है कि भाई सोके रखेंगे डॉक्टर, उठना ही मुश्किल हो जाएगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। अभी नए नए एंटी डिप्रेशन से उससे नींद आती भी नहीं और डिप्रेशन अच्छा भी होता है। दूसरा साइड इफेक्ट यह है कि गैस्ट्रो इंटेस्टिनल साइड इफेक्ट, मतलब अन्न पचन, पचन संस्था के साइड इफेक्ट, जिसमें मुंह सूखना, कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज होना, भूख ना लगना और एसिडिटी होना, ये ज़्यादा होते हैं। अभी इसमें एक तो ऐसा है कि मैं हरदम ये देखता हूँ कि भाई इनके साथ में क्या मैं एंटासिड्स दे दूँ, लाइक ओमेप्रेजोल, पेंटेप्रेजोल ड्रग्स, ताकि ये जो साइड इफेक्ट है वो होंगे नहीं, या उसके साथ साथ लैक्सिटिव दे दूँ ताकि साइड इफेक्ट जो है कब्ज का वो होगा नहीं, या फिर ऐसी एंटी डिप्रेशन है कि जिसके साइड इफेक्ट जीआई ट्रैक के ऊपर, अन्न पचन के ऊपर होते नहीं है, तो वो दे दूँ, और वो भी कोई लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, वो भी साइड इफेक्ट निकल जाता है जब हम दवाई बंद कर देते हैं। फिर दूसरा जो महत्व का है वो है वेट गेन, वजन बढ़ जाना। कुछ ऐसे एंटी डिप्रेशन है कि जिससे वजन बढ़ जाता है, हम चेंज कर सकते हैं वो। एक तो क्या है कि डिप्रेशन अच्छा होने लगा तो लोग अच्छा खाना खाना चालू कर देते हैं, तो उससे वजन बढ़ जाता है। हो सकता है कि डिप्रेशन से जब दिमाग शांत होता है, मूड जरा शांत हो जाते हैं, मतलब रिलैक्स हो जाता है, तो नींद ज़्यादा आती है, तो नींद आने के बाद में फिर खाना भी खाना, बैठ जाना, एक्सरसाइज नहीं करना, उसमें भी वजन बढ़ जाता है। डिप्रेशन का पेशेंट यदि वो अपने एक्सरसाइज चालू रखता है, अच्छी खाना कम खाता है, स्पेशली जंक फूड अवॉइड करना, मीठा अवॉइड करना, तो फिर वजन बढ़ेगा नहीं। और एक जो साइड इफेक्ट है वो है सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स। इसमें एक तो क्या होता है कि डिप्रेशन के पेशेंट को वैसी सेक्स की इच्छा कम रहती है, लॉस ऑफ सेक्सुअल इंटरेस्ट, और फिर दवा लेता है एंटी डिप्रेशन, तो दवा से समझो नींद आती है उसको ज़्यादा, तो वैसी एंटी डिप्रेशन दवाइयाँ थोड़ा सेक्सुअल डिजायर कम करती है, ब्रेन को यदि रिलैक्स कर दिया तो फिर उससे फिर सेक्स की इच्छा होगी नहीं। मगर यदि दवाई लेना चालू रखे तो उल्टा डिप्रेशन अच्छा हो जाता है, और जो दबी हुई सेक्स की डिजायर है डिप्रेशन की वजह से वो निकल जाती है, और वो एक्चुअली सेक्सुअल डिजायर अच्छी हो जाती है। डिप्रेशन की दवाई, एंटी डिप्रेशन की दवाई जो है उसमें क्या होता है, एक तो इजैकुलेशन जो होता है वो थोड़ा बढ़ जाता है टाइम उसका, तो एक तो वो लोगों के लिए फायदे का होता है कि इजैकुलेशन का टाइम जो है वो बढ़ता है, तो लोग ज़्यादा समय तक एन्जॉय कर सकते हैं। मगर कुछ लोगों को इच्छा ही जब होती नहीं है तो फिर एन्जॉय करने का सवाल ही कहाँ है। फिर हम इस समय ऐसे दवाई दे सकते हैं कि जिसका सेक्सुअल साइड इफेक्ट नहीं है या एकदम कम है, तो हम दवाई देंगे तो सेक्सुअल साइड इफेक्ट भी होगा नहीं। तो इसमें फिर हमको बदलते रहना पड़ता है कि मिरेटाजापाइन किसको देना है, बुप्रोपियन किसको देना है, एसएसआरआई किसको देने का है, और फिर इसके साथ साथ बहुत ही यदि सेक्सुअल साइड इफेक्ट हो रहा है तो फिर क्या हमने सिल्डानाफिल, टाडानाफिल दवाई ऐड कर देना है इसके साथ साथ, तब वो टाइट्रेट करते रहते हैं। कुछ साइड इफेक्ट ऐसे है कि जैसा आंखों से ठीक नहीं दिखना, वो भी टेम्पररी है। इतना ख्याल में रखना चाहिए कि लीवर के ऊपर, किडनी के ऊपर, हृदय के ऊपर ऐसे कोई बड़े बड़े साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है, डरने का कोई कारण नहीं है। आम लोगों में ऐसा रहता है कि नहीं नहीं वो किडनी खराब हो जाती है दवाई लिया तो ऐसा कुछ भी नहीं है, किडनी कोई खराब होती नहीं है, और दवाई ले लिया और वो भी हमको कोई जिंदगी भर दवाई लेने की नहीं है, टेम्पररी दवाई ले लो, जल्दी ठीक हो जाओ, जल्दी दवाई बंद करो। इतना ही है कि दवाई बंद करने के समय तुरंत दवाई बंद नहीं करने की, एकदम एकाएक धीरे 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 डोज कम करते हैं, एवरीडे
10% डोज यदि कम करते हैं, और नॉट एवरी डे इवन, मतलब हफ्ते में 10% या हफ्ते में 25% डोज कम कर देना, तो एक दो महीने में दवाई पूरी बंद करना चाहिए। ये हम करते हैं तो बंद करने के समय भी कोई नुकसान होगा नहीं। हमारा मकसद ये है कि लोगों ने दवाई लेना चाहिए, एंटी डिप्रेशन दवाई लेना चाहिए और डिप्रेशन से मुक्ति पाना चाहिए। आपको इसके बारे में कोई सवाल होंगे तो जरूर हमें ऑनलाइन कंसल्ट करो, हमारा ऐप है वो डाउनलोड कीजिए। हमारा जो मकसद है वो सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य, व्यसन मुक्त भारत, उसमें हमारे पार्टनर बनिए। मानसिक रोगी तथा शराबी के व्यसनी, इनको बिना रिश्तेदार अकेले हम हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट को भर्ती करते हैं और उनका इलाज करते हैं। थैंक यू वेरी मच।